बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है, मैं मनोज। देखिए, आज खरना है, छठ को लेकर के 20 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं जो कि दिल्ली, पुणे एवं बेंगलोर सहित कई जगहों की है। और अभी जब बता दें, देखिए ये लोग सभी कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? मैं बघा से आई हूँ। पटना से? बघा से। बघा से? हाँ, अमृत भारत। कितनी भीड़ थी अभी? बहुत ज़्यादा थी, छठ को लेकर एकदम गेट पर भी जाम था। वो बता दें, देखिए ये लोग सभी, आप कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? छत्तीसगढ़। कहाँ से? तो बता दें, देखिए बहुत से लोग, कहाँ से आ रहे हैं आप? हम शाहजहाँपुर से आ रहे हैं। किस, कौन से ट्रेन से आए हैं? इसी से आ रहे हैं। तो हम बता दें, देखिए इसके अलावा बता दें, बहुत से लोग हैं और एनसीसी को कमान दी गई है संभालने के लिए, क्योंकि अचानक काफ़ी भीड़ हो जाती है। कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली से। दिल्ली से? कौन सी ट्रेन से? ये अमृत के बाद। कितनी भीड़ थी? बहुत भीड़। सीट मिली? हाँ, मिल गई सीट। इस बार क्या दिक्कत लग रहा था, क्योंकि सरकार को क्या करना चाहिए ट्रेन में सुविधा को लेकर? बहुत अच्छा है। अच्छा? पर भीड़ बहुत ज़्यादा होता है। तो 20 स्पेशल ट्रेन चलाई, फिर भी कमी हुई? बहुत भीड़ है, बहुत। सुरक्षा किस लगा अंदर में? साफ सफाई को लेकर? साफ सफाई नहीं हुआ था। नहीं था? कोई भी साफ सुथराई के बारे में नहीं है। मैंने रेलवे को फ़ोन भी किया, सर इस कोच में ऐसे से बात है, पानी नहीं आ रहा, कुछ भी है ना, पानी आया ना कुछ आया, ऐसे कचम कच भीड़ थी। स्पेशल बस नाम के लिए चलाया जाता है, नाम के लिए, वो भी 18-18 घंटे लेट, 20-20 घंटे लेट। मेरा स्पेशल के चक्कर में ना दो टिकट कैंसिल करवाया, फिर इसके अमृत भारत से आया, जनरल ट्रेन से आया हूँ, हालत ख़राब करके, जो इतनी भीड़ होती है। मतलब मैं सरकार से यही गुजारिश करूँगा, स्पेशल ट्रेन आप चला रहे हो तो टाइमली चलाओ, नहीं तो मत चलाओ। लेकिन निश्चित तौर पर स्पेशल ट्रेन के बारे में कहा जाता है, टिकट तो मिल जाती है लेकिन घंटों घंटों लेट है। और हम बता दें, देखिए यहाँ पर एनसीसी के क्या कर रहे हैं? ड्यूटी कर रहे हैं। कितने एनसीसी के टीम है आपके? हमारे 15 है। 15? क्या क्या कहा गया आप लोगों को? यहाँ पर भीड़ भाड़ कम करने के लिए बोला गया, कोई हाथापाई ना हो, यही सब देख रेख के लिए रखा गया है। सुरक्षा को लेकर के बताया गया? यस सर। सुरक्षा को लेकर बताया गया कि आप लोग को जाँच करनी चाहिए, जैसे ये लोग? जी सर, पूरा हम लोग सब यहाँ पे साथ में है, बढ़िया से देख रेख में, और कोई प्रकार की यात्रा को समस्या ना हो, इसी पे हम लोग लगे। संदिग्ध व्यक्ति अगर कोई स्टेशन पर आते हैं, उसको कैसे आइडेंटिफाई कीजिएगा? जी जी, उसको लेकर के तुरंत जमा करेंगे कार्यालय में, जो किसी भी प्रकार के यहाँ विवाद ना हो। तो हम बताते, देखिए दरभंगा रेलवे स्टेशन का हाल दिखा रहे, लेकिन देखिए गंदगी, ये है गंदगी दरभंगा रेलवे स्टेशन पर। आपको लगेगा, कहा जाता है कि इन लोगों की सैलरी नहीं मिलने की वजह से ये लोग हड़ताल पर चले गए थे, और इतनी गंदगी का अंबार है, साफ सफाई नहीं हो पाया। और ये दरभंगा रेलवे स्टेशन पर इतनी गंदगी, और देख करके आपको लगेगा कि ऐसा संभव है नहीं, लेकिन ये देखिए, कहा जाता है कि इन लोगों की सैलरी नहीं मिली थी, जो एजेंसी है सफाई एजेंसी, उन्होंने सैलरी इन लोगों को नहीं दी, इसीलिए पूरी तरह दरभंगा रेलवे स्टेशन पर गंदगी है। और ऐसा शायद ये पूरा घपला है, भ्रष्टाचार। देखिए आपको हम दिखाएंगे, देखिए दरभंगा रेलवे स्टेशन पर गंदगी का एक झलक दिखाइए, कितनी गंदगी है ये। कहा जाता है कि जो लीडर्स हैं वो कहते हैं दरभंगा रेलवे स्टेशन को हाईटेक बनाएंगे, दरभंगा रेलवे स्टेशन को ये पूरा देश का नंबर वन के श्रेणी में आएगा। और ये है दरभंगा रेलवे स्टेशन की हालात। क्या लगता है दरभंगा रेलवे स्टेशन कैसा लगा आपको? गंदगी है क्या लगता? यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी है, सफाई के मतलब यहाँ रोज़ में मतलब सफाई भी नहीं रहता है लगभग में। मतलब कहा जाए तो ऐसा बिहार में जितना भी रेलवे स्टेशन है, मैं स्टूडेंट हूँ, एग्ज़ाम देने के लिए अक्सर बाहर जाया करता हूँ, लगभग मतलब जितना बिहार का रेलवे स्टेशन है सबका यही हाल है। यहाँ साफ़ सफाई उतना साफ़ सफाई नहीं रहता है जितना अदर स्टेट में रहता है, दूसरी जगह रहता है। इससे पहले मैं रेलवे की एग्ज़ाम देने के लिए उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात भी जाता रहता हूँ, वहाँ इसे ज़्यादा मतलब सुरक्षित रहता है, इसलिए यहाँ ज़्यादा बीमारी भी फैलता है। देखिए कितना अच्छा है कि स्टूडेंट कह रहा है कि यहाँ जो गंदगी है दिख जाएगा, दरभंगा रेलवे स्टेशन पर जो गंदगी है वो दिख जाएगा। ये है दरभंगा की स्टेशन की सफाई व्यवस्था, और सफाई कर्मचारी जो हैं वो सफाई में लगे हुए हैं। कहा जाता है कि पूरी तरह हड़ताल पर थे और अभी सफाई कर रहे हैं, अभी आए हैं, एक मिनट जरा हम इनसे पूछ भी लें कि आज आप लोग का स्ट्राइक था क्या? हाँ, वहाँ जाइए सर, वहाँ लगता है। कहाँ पे हैं? ये वन में सर। चलिए हम बता दें आप लोग को, देखिए दरभंगा रेलवे स्टेशन पर सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। एजेंसी सरकार से पैसे लेती है लेकिन कर्मचारियों को पैसे नहीं देती हैं, जिस वजह से
यहाँ पूरी तरह गंदगी है और हम देखें सफाई कर्मियों ने काम करना बंद कर दिया था, सफाई कर्मियों काम करना बंद कर दिए थे और इन लोगों का जो था कि पैसा सैलरी इन लोगों का नहीं मिला था, इसलिए इन लोगों ने साफ सफाई नहीं किया, जिस वजह से दरभंगा रेलवे स्टेशन पर गंदगी पूरी तरह है। और कहा जाए तो इन लोगों को सैलरी नहीं मिलने की वजह से ये लोग आक्रोशित होकर के काम करना छोड़ दिए थे, जिस वजह से यहाँ पूरी तरह गंदगी है। लेकिन कोई बोलने के लिए भी तैयार नहीं है क्योंकि इन लोगों का पैसा कितने दिनों से रुक गया था। देखिए पर्व है और पर्व में एजेंसी रेलवे से पैसा तो लेती है लेकिन इन लोगों को पैसा देती नहीं है, जिस इन लोग दरभंगा रेलवे स्टेशन को इस बार कचरे के अंबार पर छोड़ दिया था। और अब जब यह आश्वासन मिला है कि आधा सैलरी आप लोग को मिल जाएगा, उसके बाद ये लोग काम के लिए उतरे हैं और तब तक इन लोगों को पैसा रोक दिया गया था, जिस वजह से ये काम नहीं कर रही थी। ये आप लोग का हड़ताल था क्या, काम पर से हड़ताल था आपका, कितना देर काम नहीं किया आपने? उधर जाके देखे यहाँ पर ये लोग बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि इन लोगों को डर है, एजेंसी से काम कर ना तो इन लोगों को डर है, तो सैलरी नहीं मिला तो इन लोग तो ये देखिए अब साफ सफाई हो रही है। आप लोग का क्या स्ट्राइक था क्या लोगों का बताइए, स्वास्थ्य क्या बोलिए तो अच्छा कैसे सफाई, साफ सफाई स्टेशन पर पूरी गंदगी है, हमने कई जगह दिखाया है, ऐसा गंदगी क्यों दरभंगा रेलवे स्टेशन पर? सर थोड़ा सा कुछ मैटर हो गया था कंपनी और लेबर के बीच में, वो सॉल्व होने के बाद फिर काम अभी स्मूथ चल रहा है। कितना देर काम, कितना देर में कल से ये काम? नहीं नहीं सर आज सुबह में रुका है। कंपनी क्या कर रही थी? कंपनी पेमेंट के लिए थोड़ा सा इशू हुआ था पेमेंट, लेकिन अब क्लियर कर दिया। कितने सफाई कर्मी हैं आपके यहाँ दरभंगा रेलवे स्टेशन पर? वही 55-60 है। 55-60 जी। तो देखिए हम इन लोगों से पूछना चाहेंगे, एक मिनट जरा एक मिनट, आप लोग कब से काम करना शुरू कर दिए? हम लोग जो है 10 बजे से काम स्टार्ट कर दिए। मतलब क्या कहा कंपनी पैसा कब तक कर दिया? बोल रहा है कि लगा रहे हैं पाए, नहीं अगर आएगा तो फिर हड़ताल होगा। तो हड़ताल आज कब से था? आज हड़ताल कब से था? सुबह से था। ये चलिए दिखा दें, लेकिन पूरा दरभंगा रेलवे स्टेशन का हालात हमने आपको दिखाया, देखिए कितनी गंदगी थी। क्या लगता है आज हड़ताल पर थे क्या? जी सर। क्यों पैसा, कितना दिन का पैसा बाकी है आपका? महीना मतलब एक महीना का सैलरी हम लोग को नहीं गिरा, टाइमली नहीं बोला कि एक तारीख को गिर जाएगा, मैं सैलरी नहीं गिरा, उसी तरह हड़ताल कर दिया। बोला कि 5 तारीख तक 2 बजे तक गिर जाएगा, शाम तक इंतजार किए, आज देखिए 6 तारीख हो गया, अभी गिराया पैसे, अभी गिर गया। तो आप लोग काम पर आ गए जी? कितने लोगों का, कितने लोग हैं आपके? हम लोग टोटल है 54 गो लोग। तो देखिए दरभंगा रेलवे स्टेशन पर 55 जो सफाई कर्मी हैं, इन लोगों का पैसा 5 तारीख तक नहीं गिरा, तो 5 तारीख की दोपहर के बाद ये लोग स्ट्राइक पर चले गए थे, लेकिन अब जैसे ही खबर बना, खबर बनते ही देखिए साफ सफाई दरभंगा रेलवे स्टेशन पर प्रारंभ है। और हम बता दें कि एक चीज, ये कौन सी एजेंसी है आपका, कौन सी एजेंसी है? कौन इंडिया। अच्छा कब से काम कर रही है आपका? ये 7 महीने से लगभग काम कर रहा है। आपको प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आप सुपरवाइजर हैं तो क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? सर कोई प्रॉब्लम भी है आप लोग को काम कराने में, कोई प्रॉब्लम भी होती है आपको? जी नहीं सर। तो चलिए लगातार हम आपको दिखा रहेंगे, देखिए दरभंगा रेलवे स्टेशन पर जो बाहर से छठ पूजा के लिए लोग आ रहे हैं, तो पहली नज़र में दरभंगा रेलवे स्टेशन पर जो गंदगी थी उसे देखकर लग रहा था कि निश्चित तौर पर यहाँ कुछ गड़बड़ है। और गड़बड़ ये है कि इन लोगों की सैलरी नहीं मिलने की वजह से इन लोगों ने काम बंद कर दिया, पूरा दरभंगा रेलवे स्टेशन पर गंदगी पसरी हुई है। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GTPS सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे मौजूद हैं हम। धन्यवाद।